जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम कर्मयोग है। आज हम 17वें और 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर सृष्टि चक्र के अनुसार ना बरतने वाले की निंदा की। अब यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस दृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ पर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा को मानवा कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। अब समझते हैं कि आत्मा में रमण करना क्या है। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्यों के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। अतः उसके किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। ऐसे ज्ञानी को भगवान ने आत्मतृप्त कहकर यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती। किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। वह ज्ञानी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से किसी भी घटना से किंचन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। मैं सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से महापुरुष परमात्मा को जब प्राप्त हो जाता है, अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृत कृत हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उन सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण रूप परमात्मा को प्राप्त करना है।
अतः वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उस महापुरुष का कर्म करने से या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है, इस कारण ना तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या परलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही उसका कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी हैं और उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस कारण उसके लिए ना तो कर्मों का करना विधेय है और ना उनका ना करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में भी कहा है कि जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतकृत्य हो गया है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के अनुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में ज्ञानी के शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्धानुसार अपने आप होता रहता है, अतएव उसका किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं रहता और इसलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृतकृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? कर्म किए नहीं जाते प्रारब्धानुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उन कर्मों को कर्म नहीं माना गया है। राधे राधे।